Hello everyone. So now we are going to solve the question number three of residential status. So today we are going to solve two questions of this uh, residential status variety, and we have many years over here. First of all, let us read the question what is given. Mr. Stephen of America comes to India on 1st August 2019 and was in India till 5th November 2019.

आपको लिखना नेम ऑफ दी एस एस सी आई एज्यूम के आपने फर्स्ट सेशन देखे होंगे तो नेम ऑफ द एस जो है वो हमको पहले लिखना है नेम ऑफ दी एस एस सी देन वीज टू राइट लीगल स्टेटस इंडिविजुअल देन इंडिविजुअलेंट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन देन वी आर गोइंग टू राइट द प्रीवियस ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी तो ये अपना फर्स्ट पार्ट है दिस इज इंट्रोडक्टरी सेकेंड जो पार्ट है हमारा दैट वी आर गोइंग टू राइट द कंडीशंस तो जो भी हमने कंडीशंस पढ़े थे सेक्शन सिक्स सबसेक्शन वन में एंड सेक्शन सिक्स सब सेक्शन सिक्स में ये सारे कंडीशंस आपको यहाँ पे कॉपी करने हैं नंबर थर्ड है दैट इज द कैलकुलेश जिसपे अभी हम कैलकुलेशन सीखेंगे एंड नंबर फोर्थ में वी नीड टू राइट द कंक्लूजन कि वेदर ही इज एन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी और ही इज अ नॉन रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी लेट अस स्टार्ट विद अ पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर स्टीफन जो है मतलब केम टू इंडिया ऑन फर्स्ट ऑगस्ट टू थाउजेंड नाइन मतलब और नवम्बर फिफ्थ तक वो इंडिया में था तो अभी हम इसको लिखने वाले एक एक करके ये कॉलम जो हमने बनाया है दैट वी आर अवेयर अबाउट यह हमारा फॉर्मेट है फर्स्ट कॉलम इज पीरियड सेकेंड इज नंबर ऑफ डेज सीरियल नंबर ईयर नंबर ऑफ डेज और रेसिडेंशियल स्टेटस सो इस बेसिस पे हमको सॉल्व करना है हमको जो फर्स्ट कॉलम है हमारा पीरियड का उसमें हम क्या लिखने वाले कौन सा साल लिखने वाले दिस इज दर टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी दैट इज अवर प्रीवियस ईयर फाइन बाकी सारे दस साल का इन्फॉर्मेशन हमने लिखा है एंड वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द लीप ईयर्स तो टू थाउजेंड ट्वेंटी हमारा लीप ईयर है यहाँ पे हमारा सिक्सटीन लीप ईयर है और यहाँ पे हमारा ट्वेल्व जो है वो ईयर है सो so, इसको मैंने मार्किंग कर लिया है लीप ईयर यंडिकेट्स दैट फेब्रुवरी इज ट्वेंटी नाइन डेज तो आपके पूरे साल में थ्री सिक्सटी सिक्स डेज होंगे नॉट थ्री सिक्सटी फाइव डेज ओके सो लेट अस स्टार्ट ये जो मिस्टर स्टीफन है ये इंडिया में कौन से डेट को आया था ही केम टू इंडिया ऑन फर्स्ट ऑगस्ट और नवंबर तक था तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ऑगस्ट देन सप्टेंबर देन ऑक्टोबर देन नवंबर नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं थर्टी वन सप्टेंबर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं थर्टी अक्टूबर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं थर्टी वन और नवंबर कब तक था वो पांच नवंबर तक था तो फाइव डेज अभी हमको इसका टोटल करना है एंड द टोटल कम्स टू नाइनटी सेवन डेज ओके सो ये अभी काफी इंपॉर्टेंट वराइटी आज हम सोल्व करने वाले है. आपको ध्यान से इसको चेक करना है किस तरीके से मैं कर रहा हूं फिलहाल नंबर ऑफ डेज यहां लिख लेते हैं वन नाइन्टी डेज है टू हंड्रेड डेज है तो टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन आई एम गोइंग टू राइट नाउ सो टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन लेटर्स सी टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन में कितना दिन है वन नाइन्टी डेज तो एटीन नाइनटीन में आई एम राइटिंग ओवर हीयर वन नाइन्टी डेज देन फर्दर सेवनटीन एटीन में कितना दिन है दैट इज़ टू हंड्रेड डेज उसके ऊपर वन फिफ्टी डेज देन थ्री सिक्सटी फाइव डेज यहाँ थ्री सिक्सटी फाइव डेज दिया है उन्होंने उन्होंने थ्री सिक्सटी फाइव दिया अगर नहीं दिया है और बोला है कि वो साल में भी वो इंडिया में था तो वो थ्री सिक्सटी सिक्स आएगा बिकॉज यहाँ पे लिप ईयर है बट दे हैव स्पेसिफाइड अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया है तो हम उतने ही दिन यहाँ पे लेंगे नेक्स्ट इज फोर्टी नाइन और उसके ऊपर नॉट गिवन नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल जहाँ पे भी नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल वहां पे एनआर लिखना है एनआर इज़ नॉन रेसिडेंट ओके सो थोड़ा सा अभी रूल को रिवाइज कर लेंगे वॉट इज़ द रूल नंबर वन टू थाउजेंड नाइनटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी जो हमारा प्रीवियस ईयर है ही शुड स्टे इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज और मोर इफ इज नॉट स्टेइंग हमने और का कंडीशन पढ़ा था और का कंडीशन क्या था फोर ईयर्स में थ्री सिक्सटी फाइव डेज होना चाहिए फोर ईयर्स बिफोर योर प्रीवियस ईयर एंड टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी जो है हमारा प्रीवियस ईयर उसमें कम से कम सिक्सटी डेज से ज़्यादा होना चाहिए ज़रूरी है सो दिस इज द कंडीशन ये जो कंडीशन है ये हमको एक साथ सेटिस्फाई करना पड़ेगा सो लेट अस सी नाउ वेदर द कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नॉट इफ़ यू सी वी हैव नाइन्टी सेवन डेज ओवर हयर हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड वन एटी टू डेज इसका मतलब कंडीशन नंबर वन जो है दैट इज नॉट सेटिस्फाइड सिंस इट से स्टेइंग फॉर 97 सेवन डेज यहाँ पे 182 एटी डेज है 182 से कम होगा तो ये कम से कम ये जो 97 है ये कम से कम 60 से ज़्यादा होना चाहिए क्या 97 60 से ज़्यादा है yes तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया अब चार साल पीछे जाना है 365 डेज वो इंडिया में रहना जरूरी है चार साल पीछे सो so, चार साल पीछे का मतलब ये यहाँ से काउंट करना है आपको ऊपर से काउंट नहीं करना है वन टू थ्री फोर फोर इयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर ही शुड स्टे फॉर हाउ मेनी डेज थ्री सिक्सटी फाइव डेज तो चार साल पीछे जाना है वन नाइन प्लस टू हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी प्लस थ्री सिक्सटी फाइव ये तो काफी बढ़ जाएगा थ्री सिक्सटी फाइव से ज्यादा होना चाहिए ऐसा हमारा रूल है तो इनका टोटल आप करोगे तो थ्री सिक्सटी फाइव से ज्यादा ही है क्योंकि यहाँ पे ही थ्री सिक्सटी फाइव दिख रहा है इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगा अगर 182 का सेटिस्फाई नहीं होता तो ये दो कंडीशन जरूरी है इफ दिस टू आर सेटिस्फाइड देन आल्सो ही विल बी कॉल्ड एज दिसन ऑल्सो हीशन सिक्स वन और रेसिडेंट में हमने दो बातें सीखी थी वन इज आर ओ आर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड नंबर सेकेंड इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इसके लिए कंडीशंस थे वो रेसिडेंट होना चाहिए टू आउट ऑफ टेन प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड दूसरा कंडीशन क्या था सेवन ईयर्स में वो कम से कम सेवन थर्टी डेज या उससे ज्यादा रहना जरूरी है लेट अस सी नाउ अभी एक एक करके सॉल्व करने वाले ध्यान से पहले हम इसको ये जो यहाँ पे लिखना है उसको देखेंगे वन नाइनटी डेज 190 नाइनटी इज इट मोर देन वन एटी टू ये तो हम यहाँ पे आर लिखेंगे आर का मतलब रेसिडेंट 200 इज इट मोर देन 182 यस इट इज तो हम यहाँ पे फिर से आर लिखेंगे 150 अब ये ध्यान से देखना 150 जो है वो 182 से कम है अगर 182 से कम रहेगा तो ये दो कंडीशन जो है हमारे 182 से कम है तो हमको देखना है क्या ये 60 से ज्यादा है यस 60 से ज्यादा है मतलब ये तो सैटिस्फाइड हो गया अभी चार साल पीछे जाना है 365 डेज का कंडीशन देखना है चार साल पीछे अगर हम अभी ये साल सॉल्व कर रहे हैं वी आर सॉल्विंग 2016-17 तो 2016-17 के ऊपर के चार साल मतलब 15-16, 14-15, 13-14, 12-13 तो 16-17 के ऊपर के जो चार साल है क्या उसमें 365 से ज्यादा रहता है यस रहता है तो ये भी बन जाएगा R. ओके okay, सो so अगर 182 से मोर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं बट 182 से कम है तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है नेक्स्ट क्स्ट थ्री सिक्स इट थ्री से भी कम है तो 60 से अगर कम होगा तो सीधा एनआर लिखना है सो so, इतना लिखने के बाद अभी हम आगे बढ़ेंगे अभी देखते हैं कि वो आर ओ आर बन रहा है या आर एनओ आर बन रहा है कंडीशन नंबर वन ही शुड बी अ रेसिडेंट इन टू आउट ऑफ टेन पिछले दस साल में वो दो बार रेसिडेंट होना चाहिए हमारे पास एक बार दो बार तीन और चार फोर टाइम्स हमारे पास है मतलब कंडीशन नंबर वन सेटिस्फाइड हो रहा है सात साल का टोटल कितना आना चाहिए सात सौ तीस सात साल नीचे से गिनना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये सेवन इयर्स प्रीसीडिंग इसीलिए हम नीचे से गिन रहे हैं ऊपर से क्यों कैलकुलेट नहीं करने वाले बिकॉज सेवन इयर्स इट्स प्रीसीडिंग सो ये सभी पॉइंट्स को आपको ऐड करना है सेवन इयर्स तक का तो इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव इयर्स का इन्फॉर्मेशन है तो इन सबको आपको ऐड करना है तो ऐड करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर डेज हमारा तो रूल बोलता है कितना दिन रहना चाहिए सेवन थर्टी डेज रहना चाहिए बट सेवन थर्टी से तो ये ज्यादा आ रहा है अगर सेवन थर्टी से ज्यादा आता होगा तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड अगर दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे देन ही विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट सो आपको कंक्लूजन लिखना है कंक्लूजन में आपको बता देता हूं कंक्लूजन हमने पहले भी लिखा था कंक्लूजन क्या लिखेंगे मिस्टर स्टीफन सेटिस्फाइज द कंडीशन एस पर सेक्शन सिक्स वन एंड सेक्शन सिक्स सिक्स हेन्स ही विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट दैट वॉज द पॉइंट विच वी हैव सोल्व क्वेश्चन नंबर थ्री सो क्वेश्चन नंबर थ्री में हमको काफी सारे पॉइंट आज सीखने मिले हैं दैट इज अगर वन एटी टू डेज से कम रहा तो हमें क्या करना है यहाँ पे वन एटी टू डेज से कम रहा तो भी ये रेसिडेंट बन रहा है बिकॉज सेकेंड वाला कंडीशन यहाँ एप्लीकेबल हो रहा है सिक्सटी डेज का एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज प्रायर का भी तो ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपके बुक्स में और एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर मिस्टर मैक्स के बारे में अभी ये थोड़ा सा अलग टाइप है ध्यान से देखो कि एक बार इंडिया में आएगा फिर से जाएगा फिर से आएगा मिस्टर मैक्स ऑफ अमेरिका कम्स टू इंडिया ऑन फर्स्ट ऑगस्ट टू थाउजेंड मैंने कॉपी कर लिया था तो दैट विज वाई फिफ्थ नवंबर 2019 ही केम बैक ऑन फर्स्ट फेब्रुवरी 2020 एंड वाज इन इंडिया टिल थर्टी फर्स्ट मार्च टू तो सीधा हम फॉर्मेटिंग पे जाएंगे देखो कब आया था इंडिया में इंडिया में वो पर्सन आया है ऑगस्ट में सो आई एम राइटिंग ओवर ऑगस्ट फिर कब गया नवंबर में गया है ऑगस्ट सितंबर अक्टूबर नवंबर नवंबर में चला गया फिर नवंबर में जाने के बाद फिर से आया कब आया फिर से ही केम बैक अगेन ऑन फर्स्ट फेब्रुआरी टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड वॉज इन इंडिया टिल थर्टी फर्स्ट मार्च फेब्रुवरी में आया इसका मतलब इसके बाद डायरेक्ट लिखूंगा मैं फेब्रुवरी और उसके बाद हम लिखेंगे मार्च ओके ऑगस्ट डेज़ फॉर ऑगस्ट ऑगस्ट में कितने दिन है ऑगस्ट में नंबर ऑफ डेज होंगे थर्टी वन 30 थर्टी डेज अक्टूबर थर्टी वन नवंबर फाइव डेज वाई नवंबर फाइव डेज क्यों के लिए नवंबर में वो कौन से दिन को चला गया इंडिया छोड़ के फिफ्थ नवंबर को इंडिया छोड़ के वो चला गया आगे बढ़ते हैं। फिर फेब्रुआरी फिर फेब्रुवरी में फर्स्ट को आया तो फेब्रुआरी कितने डेज फेब्रुआरी ट्वेंटी नाइन डेज और मार्च में कितना दिन आएगा मार्च में थर्टी वन डेज अब इसका टोटल करेंगे नाइन प्लस वन इज टेन टेन प्लस फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन तो यहां पे आ जाएगा सेवन थ्री सिक्स नाइन टेन ट्वेल्व प्लस इज़ इज़ सो सो डेज़ डेज़, डेज़ वी आर गेटिंग ओवर आंसर, अभी ये सीधे जो जो दिए हैं वो हम पे कॉपी कर लेते हैं, नाइनटीन में कितना दिन रहा एटीन नाइनटीन में ही स्टेज वन एटी डेज देन दो सौ दस देफ्टी सिक्स देन थ्री सिक्सटी फाइव

क्या ये सिक्सटी से ज्यादा है तो सिक्सटी से ज्यादा का कंडीशन उसके साथ एंड का कंडीशन चार साल में कितना होना चाहिए थ्री सिक्स वन फिफ्टी सेवन इज मोर देन सिक्सटी डेज सो सिंस वन फिफ्टी सेवन इज मोर देन सिक्सटी डेज ये वाला जो कंडीशन है ये तो सेटिस्फाई हो गया अब चार साल में थ्री सिक्सटी फाइव होना चाहिए चार साल नीचे से गिनता हूं वन टू थ्री फोर इन चारों साल का टोटल कितना होना चाहिए थ्री सिक्सटी फाइव इधर तो एक ही साल में थ्री सिक्सटी फाइव हो रहा है इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई होगा तो ये बंदा रेसिडेंट तो बनने वाला है सो दिस इज द रेसिडेंट पॉइंट रेसिडेंट तो बनेगा तो रेसिडेंट में हमको दो चीजें सीखनी है हमने सीखा था आर ओ आर होना चाहिए या फिर आर एनओ आर होना चाहिए पहले चेक कर लेते ठीक है अभी देखते वन एटी वन एटी डेज वन एटी डेज जो है क्या ये वन एटी डेज वन एटी टू से ज्यादा है आप बोलेंगे नहीं तो कंडीशन नंबर वन नॉट सेटिस्फाइड लेकिन कंडीशन नंबर वन अगर नॉट सेटिस्फाइड होगा तो हम ये दो कंडीशन देखेंगे सिक्सटी का और फोर्थ फोर ईयर में थ्री सिक्सटी फाइव वन एटी आया वन एटी सिक्सटी से ज्यादा है इसका मतलब ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा अभी जब आप ये साल सॉल्व करने वाले हो वन एटी तो वन एटी के ऊपर के चार साल वन टू थ्री फोर क्या ये चारों साल में थ्री सिक्सटी फाइव से ज्यादा रहता है तो आप देखो ये चारों साल में एक ही साल में थ्री सिक्सटी फाइव हो गया हमको चारों साल का टोटल करेंगे तो थ्री सिक्सटी फाइव से ज्यादा होना चाहिए एक साल में होता है तो भी चलेगा सो so, यहां पे अभी मैं लिखूंगा रेसिडेंट दो सो दस टू हंड्रेड एंड टेन इज मोर देन वन एटी टू तो नो नीड टू सी एनी अदर कंडीशन अगर वन एटी टू से ज्यादा है तो सीधा आर लिखना है 182 से कम रहेगा तो सिक्सटी वन अभी देखो फिर से आया वन फिफ्टी सिक्स 156 182 से कम है लेकिन 60 से ज्यादा है मतलब ये satisfied इसके ऊपर के चार साल वन टू थ्री फोर क्या ये चार साल में इधर ही 365 रहता है तो ये भी बन जाएगा टू 149, 149 तो 60 से ज्यादा है ये 60 से ज्यादा है लेकिन इसके ऊपर के चार सालों में 365 नहीं है इसीलिए ये बनेगा एनआर आई होप कि आपको इतना पॉइंट में से क्लियर हुआ रहेगा कि किस तरीके से हमको इसको प्रेजेंट करना है अब कंडीशन नंबर द कंडीशन नंबर वन टू आउट ऑफ टेन ही शुड बी रेसिडेंट एंड सेकेंड कंडीशन वॉज सेवन ईयर्स हाउ मेनी डेज ही शुड स्टे इन इंडिया ही शुड स्टे फॉर सेवन थर्टी डेज और मोर सो लेट अस टैक्स की हो रहा है कि नहीं ट वन टू थ्री फोर तो दिस कंडीशन इज सैटिस्फाइड बिकॉज वी रिक्वायर ओनली टू आउट ऑफ टेन एंड इन देंसर इट इज फोर सेवन ईयर्स में कितना दिन होना चाहिए सात सौ तीस दिन होना चाहिए अब सात सौ तीस होता है कि नहीं उससे ज्यादा होगा देखो ये सभी को आपको प्लस करना है अगर सभी को आपको प्लस करेंगे तो मिल जाएगा वन जीरो सिक्स जीरो सो दैट इज वाई अगर ये वन जीरो सिक्स जीरो है तो दिस वैल्यू इज मोर देन सेवन थर्टी डेज ये सेवन थर्टी से ज्यादा है इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड तो ये भी क्वेश्चन क्या बनने वाला है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कंक्लूजन कैसे लिखना है कंडीशन एज पर सेक्शन सिक्स वन एंड सेक्शन सिक्स सिक्स हेन्स ही विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट सो टू क्वेश्चन वी हैव सोल्व इन दिस दैट इज नंबर वन ऑफ स्टीफन ऑफ अमेरिका नंबर सेकेंड मैक्स ऑफ अमेरिका आई होप की ये दोनों क्वेश्चन आपका जो लेवल है वो क्लियर हो यही बेसिक लेवल है इससे ही क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे बिकॉज यही टाइप के क्वेश्चन जो है यही टाइप के ऊपर क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछे जाता है मतलब 182 से ज्यादा रहेगा तो सीधा रेसिडेंट और 182 से कम रहेगा तो आपको दो कंडीशन अप्लाई करनी है नंबर वन 60 डेज से ज्यादा होना चाहिए और जो प्रीवियस ईयर हम सॉल्व कर रहे हैं उसके पिछले चार सालों में थ्री सिक्सटी फाइव डेज और मोर कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए सो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का क्वेश्चन करेंगे और एक्सेप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे सो so दैट हमारी सारी लेवल रेसिडेंशियल स्टेटस की कंप्लीट uh, हो जाएगी उससे रिलेटेड आपका प्रैक्टिस भी चलते रहेगा थैंक यू वेरी मच विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन बाय बाय टेक केयर